नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। फेसबुक का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है। यह हमारे जीवन के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। व्हाट्सएप का उपयोग हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई कामों को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन आजकल हैकर्स हमारे व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक कर ले रहे हैं। यह OTP स्कैम के द्वारा होता है। ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। कुछ सावधानियां बरतकर हम इसको हैकर्स द्वारा हैक होने से बचा सकते हैं। इन दिनों अब हैकर्स लोगों को फंसाने के लिए OTP का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हैकर्स आपके दोस्त के अकाउंट को हैक कर यह दावा करते हैं कि यह आपके दोस्त हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि गलती से एक OTP आपके नंबर पर फॉरवर्ड हो गया है। इसके बाद आपके नंबर पर आए OTP को बताने या भेजने के लिए कहते हैं। वास्तव में नए डिवाइस में अकाउंट लॉगिन करते वक्त OTP की जरूरत पड़ती है। यदि आपने OTP शेयर कर दिया है तो हैकर्स आपके अकाउंट को हैक कर आपकी चैट और ग्रुप चैट को एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। फिर हैकर्स आपके कॉन्टैक्ट्स या आपसे वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं। यदि आप खुद को OTP स्कैम से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं वो सभी जरूरी बातें जो आपको WhatsApp OTP स्कैम से बचने में मदद करेंगे। WhatsApp फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए 2-फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक को ओपन ना करें। दोस्त या कोई भी रिश्तेदार OTP के जरिए किसी भी प्रकार की मदद मांगता है तो सिर्फ टेक्स्ट पर भरोसा ना करें, उन्हें कॉल करके कंफर्म हो लें। ध्यान रहे कि जब तक आप OTP रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तब तक कोई भी WhatsApp यूजर को किसी भी प्रकार का OTP सेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी और भविष्य में किसी मुसीबत में फंसने से बचने में भी आपको मदद करेगी। इस तरह की जानकारी से खुद को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।